Vale. सर आप लोग लाइन में लाइन मैडम मैडम टर्न अराउंड लाइक दिस नो इशू Apparently I was dead and I didn't know it. डॉक्टर साहब हाँ स्माइल करते रहना है मॉक ड्रिल मॉक ड्रिल झूठ मूठ का है सीरियस मत रहिए तिवारी ओ तिवारी अरुण कहाँ है अच्छा आ गया ठीक है हाँ सर बैठ जाओ जो सब उधर चलो आई कैश स्टाफ जीएसटी को सिस्टम स्टेटमेंट नहीं चलेगा मैं चेक करता हूँ मैं जस्ट अभी साइट पे हूँ मैडम लेट मी जस्ट गो टू ऑफिस एंड हेल्प मैन फ्रॉम द लोकेशन नेसेसरी इंस्ट्रक्शन विल बी पास ऑन टू यू बाय द टाइम इट इज अ रिक्वेस्ट दैट यू प्लीज मेंटेन अ पेशेंस एंड स्टैंड इन अ कॉम पोजीशन प्लीज अभी हमको एक खबर मिला है कि गैस का लीकेज एक्सप्लोजन हुआ है हमारे कैंटीन एरिया में उसके लिए हमने अपने टाइम ऑफिसर एडमिन टीम को ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि तुरंत ऑफिस एरिया और कैंटीन एरिया को सबको बाहर निकाले हमने कॉल किया है
अपने गैस का जो टेक्नीशियन टीम है जो आके उसको अटेंड कर रहे हैं। फायर जो था उसको तुरंत ही एक्सटिंग्विश कर दिया गया है। सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। अभी आप थोड़ा वेट करिए, आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आगे आपको क्या करना है। थोड़ा जल्दी असेंबली करो, जल्दी फटाफट। अरे भाग क्या भाई, हेलो पीछे वाले से भाग क्या करो, आएगी आएगी। रुपेंद्र जी and then accordingly we will proceed. कैंटीन के लिए जो खाना बना रहे हैं उधर में गैस लीकेज हुआ है, इसके लिए इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है। तो तुरंत आप लोगों ने इधर में अभी इकट्ठा हुआ है, तो इसमें अभी जानकारी हो रही है कि आप कैंटीन में क्या स्टेटस है, उसका जो लीक हुआ है उसका अटेंड हुआ कि नहीं हुआ है, उसका जांच करने के बाद में आप लोगों को बताया जाएगा। या फ्रेंड्स, देयर इज अ लीकेज इन कैंटीन एरिया, सो बिकॉज ऑफ विच एन इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड, सो दैट इज द रीजन, दिस इज द कॉमन पॉइंट वेयर वी नीड टू मीट, दिस इज अ मीटिंग पॉइंट इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। दे आर लुकिंग इन टू द इशू वॉट हैज हैपेंड इन द कैंटीन, मे बी इन कपल ऑफ मिनट्स वील कम टू नो वॉट इज हैपनिंग, प्लीज प्लीज बी पेशेंट हियर। अभी आपको ये लगता होगा कि अगर कैंटीन एरिया में कोई लीकेज हुआ तो हम सबको क्यों बुलाया गया, गैस एक ऐसी चीज है अगर उसमें आग लगती है तो एक्सप्लोशन होगा जिसमें फायर भी पकड़ सकता है और एक मेजर डिजास्टर हो सकता है, तो इसलिए हमने प्रिकॉशनरी मेजर में सबको खाली कराया है कि हम नहीं जानते कि कौन कैंटीन एरिया में बैठा है, कौन काम पे है। तो अभी हम आपका हेड काउंट करेंगे कि कितना लोग आज ड्यूटी पे आया, उसमें से कोई मिस तो नहीं है। यहाँ असेंबली पॉइंट पे बुलाने का बस एक ही मकसद है कि हम पूरा सबका हाजिरी लेंगे एक बार फिर से कि कौन कौन यहाँ पर है और कौन मिस है, जिससे हमको ये पता चले कि गैस एक्सप्लोजन जब हुआ तो उस टाइम पे कोई कैंटीन में था तो नहीं, और उसको हमको सहायता पहचानी है कि नहीं। वेंकट आओ, जस्ट असेस द सिचुएशन रिक्वायर्ड। बहुत सेफ है यूज में, लेकिन अगर उसको आप ठीक से यूज नहीं करेंगे तो वो एक बम की तरह काम कर सकता है, तो हमेशा गैस के हैंडलिंग में सबसे सावधानी बरतनी है। यहाँ पे आई कैन टेल यू दैट वन थिंग व्हाट प्रिकॉशंस वी हैव टेकन व्हेन वी वर अंडर इंस्टॉलिंग दिस एलपीजी सिस्टम हियर, ऑल नॉन रिटर्न वॉल्स, ऑटो शट ऑफ स्विच एंड ऑल अदर प्रिकॉशनरी मेजर, फायर अलार्म एक्सेट्रा हैज बीन इंस्टॉल्ड सो दैट इन केस ऑफ एनी लीकेज इट कुड बी डिटेक्टेड इमीडिएटली। And what is that? This technician who was deployed to attend that problem declared that now everything is safe and we can be relaxed and you can go for your further work accordingly. भाइयो, अभी हमको खबर मिला है कि जो जो गैस का लीकेज था वो प्रॉब्लम अटेंड कर लिया गया है और कोई गैस में अभी कोई आग पकड़ा नहीं है। आप लोग अगर खाना खाने जाएंगे तो वो एरिया अभी सुरक्षित है, आप आराम से जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्पर्स होने के पहले हमें अनुरोध है कि हमारा हेड काउंट अभी सारा टाइम ऑफिस का आदमी कर लेगा क्लियरेंस फॉर ऑल क्लियरेंस एंड देन यू कैन मूव टू योर रिस्पेक्टिव वर्क एरिया। एंड आफ्टर दैट आफ्टर यू कैन गो अहेड फॉर द वर्क, बट यू हैव टू रीवैलिडेट ऑल परमिट इमीडिएटली, ऑल परमिट हैज टू बी रीटेकन, रीवैलिडेशन इज रिक्वायर्ड।